ग्वालियर शहर के चिड़ियाघर से खुशखबरी आई है। मादा टाइगर मीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इनमें 2 सफेद और 1 पीला शावक है। ग्वालियर चिड़ियाघर देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है, जहां टाइगर की कुल संख्या 12 हो गई है और इनमें 5 सफेद और 7 रॉयल बंगाल टाइगर हैं। इसके साथ ही 28 जून को चिड़ियाघर में मादा टाइगर दुर्गा ने 3 शावकों को जन्म दिया था। इन नन्हे टाइगर को पहली बार सैलानियों के दीदार के लिए केज से निकालकर बाड़े में छोड़ा गया। यहां आए सैलानियों में उत्साह का माहौल है। बच्चे से लेकर युवा बुजुर्ग सभी नन्हे टाइगर का दीदार करते नजर आए। रात को मेरे पास खबर आई थी कि दुर्गा ने 3 सांपों को जन्म दिया है, जिसमें एक नर 2 मादा हैं। और अभी मैं आई तो मुझे पता चला कि मीरा ने भी 3 सांपों को जन्म दिया है। तो ये हमारे शहर के लिए बड़ी खुशखबरी है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उत्साह की है। देखिए, बहुत हमारे लिए खुशी की बात ये है कि गांधी प्राणी उद्यान में लगातार प्रबंधन अच्छा काम कर रहा है और हमारे यहाँ खासकर ग्वालियर में जू में लगातार जो टाइगर की संख्या बढ़ती आ रही है। आज हमारे पास कुल संख्या 12 पहुँच गई है। आज बहुत खुश है क्योंकि यहाँ पहली बार शेर भी देख रहे हैं और उनके बच्चे भी देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। वी आर वेरी लकी कि हम आज आए हैं। और खबर श्योपुर से, जहां कोनो नेशनल पार्क से फिर से बुरी खबर आई है। मादा चीता गामिनी के एक शावक की मौत हो गई है। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने से घायल हुआ था। इलाज के दौरान शावक ने दम तोड़ दिया। कोनो पार्क के अधिकारियों ने जानकारी दी है। बड़ी खबर है श्योपुर से, जहां कोनो नेशनल पार्क से फिर बुरी खबर है, जहां मादा चीता गामिनी के एक शावक की मौत हो गई। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने से जो चीता है वो घायल हुआ था। इलाज के दौरान शावक ने दम तोड़ दिया है। कोनो पार्क के अधिकारियों ने जानकारी दी है। देश और प्रदेश सहित बस्तर के लिए नासूर बना नक्सली संगठन अब धीरे धीरे सिमटता हुआ दिख रहा है। जिस संगठन में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा होती थी, अब उस संगठन की महिलाएं मुख्य धारा में लौटकर क्षेत्र में शांति स्थापित करने में अपना योगदान दे रही हैं। कभी जंगलों में डर डर कर घूमने वाली महिलाएं अब AK-47 लेकर जंगलों में बेखौफ घूम रही हैं और क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो रही हैं। दुर्गा और दंतेश्वरी फाइटर्स के नाम से बना महिला कमांडो दस्ता नक्सलियों को बैकफुट पर धकेलने के लिए तैयार है। कभी सरकार के खिलाफ हथियार उठाकर नक्सली संगठनों में काम करने वाली महिलाएं अब सरकार से जुड़कर काम कर रही हैं। बस्तर संभाग में 1200 महिला कमांडो का दस्ता तैयार किया गया, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के साथ ही लोगों का विश्वास जीतने का काम कर रही है। जितना भी अभी नक्सल विरोधी अभियान संचालित की जा रही है, उसमें अधिकतम अभियान में महिला बल भी शामिल है, जैसा दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी फाइटर्स, सुकमा में दुर्गा फाइटर्स और अन्य जगह में भी हमारा DRG बस। माओवादी खिलाफ चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में जहां CRPF, कोबरा, BSF, ITPP, बस्तर बटालियन के जवान माओवाद से मुकाबला कर रहे हैं, तो वहीं अब इस ऑपरेशन में दुर्गा और दंतेश्वरी की शक्ति के रूप में महिला कमांडो भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये वो बेटी है जो कभी माओवाद संगठन में काम करके जवानों को नुकसान पहुंचाने का काम करती थी, लेकिन सरकार के मुख्य धारे में जुड़कर ये महिलाएँ अब उन इलाकों तक पहुँच रही है जहाँ पर माओवाद का कब्जा है। हाथों में AK-47 लेकर नदी नाले पहाड़ पार कर ये महिलाएं कमांडो माओवाद के गढ़ में जा रही है और ऑपरेशन में शामिल हो रही है। बस्तर की बेटियों का ये जज्बा सलाम करने वाला होता है, क्योंकि ये बेटी कभी नक्सल के जकड़ में हुआ करती थी, लेकिन अब ये अपने क्षेत्र में शांति लाने के लिए एक हो गई है। दंतेश्वरी दंतेवाड़ा से, दुर्गा बीजापुर सुकमा से, ये महिला कमांडो पूरी तरह से तैयार है। दंतेश्वरी और दुर्गा, इन दोनों के रूप में इन महिलाओं को देखा जा रहा है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। और इसी के साथ